हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बैटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही टेस्टी मसालेदार कुरकुरी बैंगन आलू फ्राई की सब्ज़ी, जो बहुत ही अलग तरीके से बनती है और साथ साथ बहुत ही लाजवाब है इसका टेस्ट। तो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ ये बहुत ही ईजी रेसिपी, लेकिन खाने में इसका स्वाद जो है वो आप भूले नहीं भुला पाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल जाएं अपलोड करते ही। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये बैंगन लिया है, 350-400 ग्राम का ये बैंगन है, मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद दो भाग में इसको ऐसे काट लिया है। दो भाग में काटने के बाद इसको आप एक एक भाग लें और इस तरीके से स्लाइसेस या वेजेस कट कर लें। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरीके से इसका शेप रखना चाहते हैं, पर ये थोड़ा ध्यान रखें कि जिस तरीके से आप बैंगन को काटेंगे उसी शेप और साइज़ में आलू काटें, जिससे कि देखने में थोड़ी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने जो ये वेजेस कट करे थे थिन, इसको मैं अब दो भाग में इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ और कुछ इसी साइज़ के लंबे मैं आलू काट कर तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा बैंगन इस तरीके से हम पूरा जो है काट कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं, आप स्लाइसेस कट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डाइस कर सकते हैं। तो ये आपकी टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरीके से इसको काट कर तैयार करना चाहते हैं। बस इसको हम काटेंगे और इस तरीके से एक बाउल में रख देंगे। तो अगर आप इसको थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इसको पानी में भिगोकर रखिए ताकि ये ब्राउन ना हो, लेकिन मैं इसको तुरंत ही अभी आलू फ्राई करने के बाद फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको पानी में नहीं भिगो रही हूँ और ऑलरेडी हमने इसको धोकर काट कर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं, जिसको मैं थिन वेजेस में कट कर रही हूँ। तो ये सिमिलर सा शेप और साइज़ जो है बैंगन और आलू का देखने में बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में। तो आलू कट कर तैयार हो गए हैं, बैंगन तैयार हो गए हैं। बनाते हैं एक मसाला, जिसके लिए ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च और 6-7 ये मैंने छोटी राउंड रेड चिलीज़ ली है। अगर आप लंबी वाली रेड चिलीज़ का, होल रेड चिलीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 4-5 इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इतना भूनना है हमें कि ज़ीरा जो है थोड़ा हमारा ब्राउन हो जाए, जिससे कि जब हम उसको पीसें तो थोड़ा सा डार्क कलर आए मसाले का। अब मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब तेल को गरम करा है, जिसमें 4 से 5 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियों को कर लिया है स्टर फ्राई। और हल्का सा लहसुन भूनने के बाद इसमें मैंने जो आलू काट कर तैयार करे वो डाल दिए हैं। आलू को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे गोल्डन क्रिस्पी से ब्राउन नहीं हो जाते। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम ये जो हमारा मसाला ठंडा हो गया था इसको मैंने पीस के इस तरीके से दरदरा पीसना है, लेकिन रखना आपको पाउडर ही है, थोड़ा सा दरदरा रहे लेकिन पाउडर फॉर्म में ही रखिए ताकि अच्छे से कोट हो पाए ये आलू और बैंगन पे। तो मसाला तैयार हो गया है, आलू भी हमारे अच्छे गोल्डन नज़र आ रहे हैं, तो इस टाइम पर इसमें हम डाल देंगे बैंगन। और अब बैंगन को आलू के साथ फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारे आलू जो है वो पार्शियली पक भी चुके हैं और हल्के से गोल्डन भी हो चुके हैं और बैंगन जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए हमने आलू को थोड़ा सा पकाने के बाद बैंगन इसमें डाले हैं। अब इसमें डाल देते हैं नमक और साथ में ही डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी, मिक्स कर लेंगे और साथ साथ इसको तब तक हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि हमारे बैंगन थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए 5-7 मिनट मैंने इसको पका लिया है, बैंगन अपने जो मॉइस्चर होता है सब्जी के अंदर उसी के अंदर सॉफ्ट हो गए हैं और आलू भी हमारे काफ़ी पक गए हैं। बस हल्की सी जो कसर है वो अब हम मसाले डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और तो ये जो हमने मसाला प्रिपेयर करा था ये डाल देते हैं। तो जो अब मसाले के साथ हल्की सी कसर हमारे बैंगन और आलू के कम्प्लीटली पकने में रह गई है वो पूरी हो जाएगी। साथ में डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच अमचूर, और कोई भी मसाला इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि सारे मसाले हमने पीस के ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। तो बस अमचूर और धनिया पाउडर ऊपर से हमने डाल दिया है और बस अब इसको हम मसाले के साथ इसी तरीके से थोड़ी देर भूनेंगे। तो क्योंकि अब हमने मसाला डाल दिया और तेल की क्वांटिटी इसमें नहीं डालते हैं ज़्यादा, जिससे कि सब्ज़ी सूखी करारी सी रहे, तो क्या करेंगे अब हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे।
तो 4-5 मिनट आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इस तरीके से पकाएं, जिससे कि देखिए बैंगन के ऊपर भी एक गोल्डन सा क्रस्ट डिवेलप हो जाता है, जिससे कि करारापन आ जाएगा और आलूओं पर भी। तो ये देखिए आप कितना अच्छा सा ब्राउन ये क्रस्ट आ गया है, आपको दिख रहा होगा मैं जब सब्जी को चला रही हूँ। तो इसी तरीके से आप करारी कर सकते हैं सब्जी को, जिससे कि चटपटी तो ये है ही और साथ साथ सूखी मसालेदार सी ये करारी सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब बस इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए और ये बिल्कुल रेडी है अब गर्मा गर्म सर्व करने को। तो लग रही है ना ये सब्जी एकदम लाजवाब, इसको आप पराठे के साथ खाएं, घी लगी रोटियों के साथ खाएं, दाल चावल के साथ सूखी सब्जी की तरह खाएं, या लंच में पैक करके ले जाएं या सफ़र पर ले जाएं, आप इस सूखी सब्जी को सब जगह इंजॉय करेंगे और बहुत ही लाजवाब बनती है ये। सिंपल सी मसालेदार ये सब्ज़ी है, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है। बनाएं इसे और शेयर करें ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इंजॉय करें। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो ज़रूर से मुझे लिखकर बताइए कि कैसी लगी और कैसी बनकर आई आपकी ये सब्ज़ी। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई सिंपल इजी सी रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।